नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। गाजीपुर के पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दो नफर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दी। स्कॉर्पियो फर्जी नेम प्लेट के साथ पुलिस ने बरामद कर लिए। इसके साथ ही गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने मीडिया के सामने क्या बोला, देखें पूरा वीडियो। आगामी जो लोकसभा इलेक्शन है, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में प्रत्याशीगण प्रचार में वाहन लगाते हैं, तो इस तरह का इनपुट हमारी करंडा पुलिस और स्वाट सर्विलेंस को था कि कुछ गाड़ियां जो गैर प्रांतों में जिनका रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है, उन्हें सस्ते दामों पर ला के और उनके कूट रचित दस्तावेज तैयार कराकर और उन्हें यहाँ पे चलाया जाना था किराए पर। इस सूचना पे करंडा क्षेत्र में चाड़ीपुर किराए पर चेकिंग चल रही थी, तभी दो गाड़ियां पकड़ी गई स्कॉर्पियो। जब चेक किया गया तो उसके जो उपलब्ध कागजात थे वो और जो गाड़ी का चेसिस और इंजन नंबर था, सब में भिन्नता थी। और सख्ती से पूछताछ की गई तो इस तरह की 5 स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई हैं, जो जिनका रजिस्ट्रेशन जैसा आप सबको विदित है 15 साल का रजिस्ट्रेशन होता है डीजल गाड़ियों का, वो सब समाप्त हो चुका था। और उसके बाद कूट रचित दस्तावेज तैयार कराकर उन गाड़ियों को ये किराए पे और जो शादी लगन होती है उसमें चलाते थे। इसका सबसे बड़ा जो आर्थिक पहलू ये है कि ऐसे वाहन जो चलाए नहीं जा सकते थे, वो दूसरा इनका दुर्घटनाग्रस्त होने पर कोई किसी भी जो पीड़ित होता है उसे कोई इंश्योरेंस इत्यादि की भी सहायता नहीं मिलती है। तो ये बड़ा संगठित होकर इस तरह की गतिविधियों को संचालित कर रहे थे, गाड़ियों को सीज किया जा रहा है और निरंतर इस और जो हमारी जनपद की पुलिस है वो कार्य करती रही, लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें यही लोग महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि राज्यों से लाते थे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए गाजीपुर के पुलिस विभिन्न थानों की अपने अलर्ट मोड पर है और शाम को चेकिंग होती है, उसी समय पुलिस को ये सफलता मिल गई। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइएगा जरूर मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।